चिल्लाया और अपने घोड़े के पास गए और कानों में कहा, सुनो मुर घोड़े, एक पासी वापस लाओ। ठीक है दोस्तों, सुनो, अब सुनो। जैसे कि आप जानते हो, ये बड़ी मछली है, ये कोई आम नार्को बस्ट नहीं है। डिपार्टमेंट काफी लंबे समय से इस केस पर काम कर रहा है। मिगुएल एग्यूरे, सड़क का नाम पाताल लोक, एले 18 स्ट्रीट गैंग का पुराना साथी है। नशीली चीजों की तस्करी, अपहरण, हथियारों के कारोबार में फरार था। देखा जाए तो हर वो चीज करता था जो गैर कानूनी है। 2 हफ्ते पहले शहर के सुनसान जगह पर छिपा हुआ था। 48 घंटे पहले ऑफिसर मिल्स अंडरकवर उसके साथ स्प्रिंग स्ट्रीट के गोदाम में गए। किसी भी तरीके से एग्वेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे तुम्हारे सिर पर गन ही क्यों ना तनी हो, फिर भी तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना है, समझे? यस सर। इस कैसा सिंडिकेट को नीचे लाने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो समझो हम जीत गए। तो चलो ठीक है, आज हम इनको इनकी नानी याद दिलाते हैं। ग्रीन लाइट, अब हम अंदर जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सब ठीक है डॉग? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा नर्वस हूँ मैं, दिमाग को शांत करने की कोशिश कर। बिल्कुल सही समय पर आयो। हाँ पार्टी के लिए निकला हूँ। चलो यार। बिल्कुल, बॉस इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और जोर से। सब लोग सीरियस है? हाँ बिल्कुल। बुरे लोग, बस जोक कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए पपी, पपी खास दोस्त है। बिल्कुल नहीं। ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम पर नजर रखनी है, याद रखो कि हम यहाँ इसलिए बिल्कुल नहीं आए हैं। तुम्हारे लिए पपी, तो क्या कभी लड़की के साथ डांस किया? नहीं। पहली बार है ये। देखो, देखो मुझे मेरे सारे आदमियों के बारे में पता है। वापस हो गया मुझे दो। हाँ बिल्कुल। क्या था ये? लाओ इधर लाओ, तुम्हें पार्टी के लिए बचा कर रखनी चाहिए। पार्टी की ऐसी की तैसी। कमी ने कहीं के। सही कहा तुमने। अगर इन्हें ये चीज नहीं मिली तो ये मुझे ही मार डालेंगे। मुझे पता है, आप लोगों को पता ही है ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन ये मेरा सबसे वफादार फरमान हो। मेरे भाई तुम्हें तो पता है, तुम सब जानते हो। हाँ। मैं अपने बेटे का नाम इसके नाम पर रखने वाला हूँ। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तोहफा होगा राइट, इसका नाम मेरे खानदान से जुड़ गया है, इतिहास के पन्नों में है ना, क्या सही नहीं है? अगर आपके पास वफादार लोग नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, 100 proof baby, 100 proof। हाँ। सुनो, इतिहास की बात करें तो हमें ये सौदा करना है। कितना बड़ा सौदा है? 5 अरब का भाई। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़ा सौदा है। शिट। कोई प्रॉब्लम? ये एक बढ़िया सौदा है, वाकई कमाल का है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मेरी DEA में पहचान है, एक्सेंडर की फ्लीट्स में, लोकल लेवल पे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वाह क्या बात है। मैं यहाँ समय बर्बाद करने नहीं आया। ऐसा लगता है कि हमारे पास प्लान है। बहुत अच्छे। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम जी स्पॉट और क्लेरिटीज को एक साथ छूते हो तो एक अच्छी फोटो निकलती है। नहीं बेवकूफ, मुझे नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं। तैयार हो जाओ, चलते हैं।
मैं आपको बाद में बताती हूँ। पुलिस आ गई है, ये तो 5-0 है। ओ, 5-0। बेटा तुम म्यूजिक सुनते रहो, ठीक है? तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पैसे रेडी है, जब तुम कहो दे देंगे। हो जाए फिर। हे हेट्स, बाहर 5-0 है। क्या कह रही हो? मैंने कहा बाहर पुलिस आ चुकी है। देखो बाहर पुलिस खड़ी है। कितने? नहीं बता सकता, नुकसान करने के लिए काफी है। संभाल के ठीक है, जगह बंद कर दो, वो हमला करने वाले हैं। तोप खाने पर अभी बॉस से ऊपर ले जाओ, खिड़की पर आने के लिए मजबूर करो। मार डालूंगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब इसका क्या करें? पैसों को छुपा दो। वो यहाँ है, वो सुबह तक पहुँच ही जाएंगे। हम नहीं डरने वाले, आने दो उन्हें। मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा था। क्लियर। ओके। क्लियर। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दाई और देखो, एक आदमी मारा गया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, साले कमीने। चलो जल्दी चलो। ए! नीचे झुको। अरे यार, आ जाओ, नहीं छोड़ूंगा। भाड़ में जाओ सालो, भाड़ में जाओ। चलो साले भाड़ में जाओ। क्लियर। गन नीचे रखो ब्लैक जैक, गन नीचे रखो। फायरिंग रोको, नीचे रखो। मैं जानता तो तुम एक पुलिस वाले हो। बंदूक नीचे रखो। Ugh!
साले कमीने! डरो मत बच्चे, उसने तुमसे क्या कहा था? डर रहे हो? हे, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सुनो, तुम उस बच्चे को छोड़ दो। जो तुम मुझे ऊपर भेजना चाहते हो? बकवास बंद करो, चाकू नीचे रखो, बच्चे को छोड़ दो। देखो, केवल एक ही तरीका इसे खत्म किया जा सकता है होमी। मैं इसकी गर्दन मक्खन की तरह काट सकता हूँ और सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा, या तो तुम्हें मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। यो, मैं मर गया, ये मर जाएगा। इसके बारे में सोचो, मैंने इसे बंधक बनाया है। हाँ, मेरे चेहरे से डरो मैन। मैं मर गया, ये मर गया। मैं मरा, ये गया। मैं मर गया तो ये भी मर गया। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। यो, मैं तुम्हें अपने घर में लाया, तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाया, मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर रखने जा रहा था। मैंने कहा ना, मजबूर मत करो। होमिया, वैसे भी तुम्हें गोली लग गई है, खुश जाओ, मरो, जाओ, मरो, 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 कमीनो, मरो। वो मेरा बच्चा, तुम्हें लगता कि मैं अपने बच्चे को काटने जा रहा हूँ? क्या बकवास है। देखो, वो मर चुका है, जाओ उसे ले जाओ, जाओ अपने बेटे को ले जाओ। हैरी चार्ल्स बेंसन, निगर, हे, चार्ल्स बेंसन कौन है? तुम पुलिस की हिरासत में हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अमेरिकी नागरिक नहीं हूँ, मैं इंटरपोल को फोन करूंगा। मेरे वकील तुम लोगों के परिवार का दिवालिया करवा देंगे, समझ गए तुम लोग? ये पहले भी सुना था। वो क्या है? ये एक बच्चे की कल्पना है। कुकुई? वैसे कुकुई का क्या मतलब? मुझे नहीं पता। हे, हे, तुमने अच्छा किया। शुक्रिया। मिल्स कैसा है? ठीक नहीं है। क्या तुम सब बाहर जा सकते हो? रुको, रुको। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसा कहा था? सच में? क्या हम सच में ऐसा करने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। बात करने के लिए ये सही जगह नहीं है। जब हम पर गोलियां चल रही थी तब तुम कहाँ थे? ओह, तुम तो अपनी डेस्क के पीछे बैठे होंगे, है ना? हाँ, डेस्क के पीछे अपना काम कर रहा हूँ मैं। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त जानना चाहता है हम यहाँ से क्यों जाएं। इनमें से चार सिंडिकेट बॉस थे, कुछ बड़ा हो रहा था और फीड आना चाहते। क्या तुम मजाक कर रहे हो? काश मैं होता। देखो, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं। मैं जल्द से जल्द सभी के एक बयान चाहती हूँ और भूल जाओ कि तुम कभी यहाँ थे। डिपार्टमेंट का 1.5 साल का समय और हमारा एक आदमी अस्पताल में, और सब ऐसे खत्म। जानते हो, मैं रूल्स नहीं बनाता हूँ मैडॉक्स। विश्वास करो, ये मेरे लिए उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है जितना तुम्हारे लिए। ये बकवास है, चलो चलते हैं। कमाल की बात है। hey, जीत के लिए, दोस्त मिल्स के लिए, और FBI जो खत्म हो जाने के बाद आए उनके लिए। मिल्स के लिए, और ये मिल्स के लिए। मिल्स के लिए, मिल्स के लिए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, यहाँ एक व्यक्ति है जो मेरे जैसे कमीने को अपना समय देना और जीवन में एक बड़े बदलाव पर विचार करने के बारे में सोच रहा है। तुम तुम्हारी बकवास बंद करो, बाहर में जाओ। चीयर्स। और आज के सोशल स्टैंडर्ड्स की प्रशंसा करते हैं और इस वक्त मजे करते हैं। आई लव यू होम गर्ल। आई लव यू होम गर्ल। तुम दोनों सच में बहुत प्यारे हो। मुझे वोडका चाहिए। हाँ, मुझे भी रेडबुल चाहिए। हाँ चलो। उसे देखो सर, ये आपके लिए। शुक्रिया जी। शुक्रिया। आप लोग एंजॉय कीजिए। ये तो 10,000 रुपए वाला ड्रिंक है जो तुमने फ्री में पिलाया। आप लोगों की रात बहुत खराब रही है क्या? हाँ, ये हमेशा होता है। ड्रिंक्स के बारे में मत सोचो, वैसे भी कुछ होने वाला तो है नहीं। ये इतना आसान है ना? हाँ बिल्कुल।
लेकिन वो तो रोज होता है। मुझे पता था मिल्स डिलीवर करेगा, वो सही आदमी है। इसके बाद एक लंबी छुट्टी का हकदार है वो। सही कहा तुमने, मैं भी थक जाता हूँ रोज चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते। जैसा मैंने कहा, एक लंबी छुट्टी। वैसे मुझे वो पेपर्स मिल गए। कौन से पेपर्स? वही मेरे तलाक के पेपर्स। और क्या, मेरे यहाँ आने से पहले मेरी वाइफ ने मुझे दिया और मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया, एक्स हस्बैंड की तरह भी। मेरा दिन आज बहुत बुरा था, बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह। तुम भी तो बुरे दिखते हो मैच होते हो। मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। तो अब तुम्हारा ऑफिशियली तलाक हो गया। यहाँ आओ स्वीटी, फिर से बैचलर बनना मुबारक हो दोस्त। हेलो। अरे यार, ओ हाय, हेलो डियर। कैसे हो तुम? मैं बहुत ही ज्यादा मस्त हूँ। मेरे साथ डांस करना चाहोगे? मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। सच में? क्या तुम्हारे हाथ काफी बड़े हैं? हाँ काफी। थैंक यू, आई एम सॉरी। बढ़िया। गाइस, नहीं, मिल्स नहीं बच सका। डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल था। आखिरी टोस्ट मिल्स के नाम, उसके आत्मा को शांति मिले। मिल्स के नाम, मिल्स के नाम। गॉड स्पीड ब्रदर। Hey. तो क्या कल फिर बांधा था तुमने? और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे करना चाहिए था। तुम्हें करना चाहिए था। खैर, वो एक पेशेंट के साथ है, बस थोड़ी देर इंतजार करो तुम। ठीक है। ग्राउंड वेदर सैटेलाइट में असामान्य मौसम की ग्राउंड रिपोर्ट। हर एक जिसने ऐसी अटकलों को जन्म दिया है और षड्यंत्र सिद्धांत फ्रैंकिंग दुर्घटनाओं से लेकर एक विदेशी आक्रमण के लिए, दुनिया के सारे वैज्ञानिक सोच में गिर गए हैं कि आकाश में बादलों से घिरी हुई चीज जो मध्यमंडल में देखी गई थी, जो कि क्षेत्र और पृथ्वी के वायुमंडल में भी देखी गई थी। सॉरी, मुझे एक जरूरी काम आ गया था। कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला था। काम कैसा है? खैर, लोग अभी भी मुझे मारने की कोशिश करते हैं। तब तो मेरे मुकदमे के बारे में बताने में देर हो चुकी है। सॉरी, अभी भी नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे मेरे घर में अकेले रहने की आदत नहीं, इसीलिए मैं बेचैन हूँ काफी ज्यादा। मेरा मतलब है, अगर मैं 24 घंटे काम करता हूँ तो क्या करूंगा? मैं भी यहाँ पर वही काम करता हूँ। देखो, यही जिंदगी है। अच्छा जीवन, देखो। सॉरी। तो हम कहाँ थे? तो क्या ये मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारी खून की रिपोर्ट मिली। उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो सकता है। तुम्हें पता है, मैंने खुद को एक बार मारने की कोशिश की पर नहीं मार सका। एक बार देख लो। ठीक है। मुझे आखिर क्या हुआ, साफ साफ बताएंगे? ये कैंसर है वर्णन। क्या?
माइलोमा एक तरीके का ब्लड कैंसर है। मैं जानता हूँ उसके बारे में, जानता हूँ। किस्मत से ये शुरुआत ही है, अभी तक कोई लक्षण नहीं मिले। इसका इलाज कब शुरू करेंगे? मैं तुम्हें हर 3 या 4 सप्ताह में बुलाऊंगा, हम वहीं से शुरू करेंगे। बचने के चांसेस मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये कितना बुरा है। पर हम शुरुआत कब करेंगे? हम अभी तो कुछ नहीं करेंगे, पर तुम्हें कीमो दिया जाएगा, पर इसमें बचने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है ना? मैं 20 सालों से इस पर स्टडी कर रहा हूँ और चाइना में किए गए रिसर्च की वजह से मुझे फायदा हुआ है। आखिर ये है क्या? अब तुम ही मुझे बताओ, क्या मैं ड्रिंक करने के बाद ड्राइव नहीं कर सकता और ये सब क्या हो रहा है? अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी बकवास से थक चुका हूँ। मैं बस कह रहा हूँ। जब मैं जॉब से घर जाता हूँ तभी ये सारी चीजें क्यों होती है? मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। डिस्पैच, मैं ऑफिसर हैंसन हूँ। ऐसा लगता है हमें गेट कैनियन द्वारा एक अजीब विद्युत गड़बड़ी मिली है। जब तुम्हारे पास विजुअल हो तो चेक इन करें। कॉपी डैट, हमारे पास पहले से ही विजुअल है। हम लोग यहाँ से उसे देख पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, जब तक उसमें से कुछ नहीं निकलता हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है वहां पर बिजली का बोल्ट गिरा होगा। हमारी शिफ्ट खत्म होने में 2 घंटे बाकी है, क्या तुम्हारा ब्लड शुगर कम है? देखो, मैंने यहाँ आने से पहले अपना प्रोटीन शेक ले लिया था। उससे तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम जानते हो ना। लवली लवली लवर स्क्वायर। ए, चुप रहो। वाओ वाओ, ये तो असामान्य है। सीरियसली? डिस्पैच, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैं हैंसन हूं। शिट यार, तुम्हारी बारी है। मुझे नहीं लगता कि मेरी बारी है। देखो, आखिरी बार मैं गया था, इस बार तुम्हें जाना होगा। हाँ ठीक है, वो 70 वर्षीय वेश्या। 75 वर्ष, और तुम उसके लिए अपना समय दोगे? 75 ईयर का, मेरा मतलब ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो, ये सब जब खत्म हो जाएगा मैं किसी और यूनिट को बोलूंगा कि इसे ले जाए। कूल ब्रो, कूल कूल। सच में तुम लोग बहुत बुरे पुलिस वाले हो, पूरे प्लेनेट पर, सच में कह रहा हूँ। संभल के जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब उसका हाथ पकड़ना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये आखिर में है क्या, समझ में नहीं आ रहा। डिस्पैच, मैं हैंसन हूं, क्या कोई सुन सकता है? क्या तुमने वहां कुछ देखा? मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम चलो सिर्फ यहां से। ओह शिट मैन, मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। मुझे बाहर निकालो। जहां तक मुझे लगता है कि शायद ये ना हो, लेकिन ऐसा कह पाना, कन्फर्मेशन देना हमारे हाथ में नहीं है। शायद ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो इसे पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से बरकरार रखता है। तुम लेट हो, मैं फोन कर रहा था। कुछ काम में फंस गया था। क्या हो रहा है? फेड ने लास्ट मिनट रिक्वेस्ट की है, तैयार हो जाओ। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? हाँ सर, पूरी तरह तैयार हूँ। तो आज सुबह मिगुएल एग्युरे के जीवन पर धमकियां आईं, कोई सोशल मीडिया बकवास नहीं पर सच्ची वाली। मुझे लगा कि फ्रेड इसे संभाल रहे हैं। हाँ, उन्होंने विशेष रूप से हमसे अनुरोध किया उसे काउंटी ले जाने और 24 घंटे निगरानी में रखने के लिए। काउंटी में तो काटिल है। हाँ। नजर बनाए रखो। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। एजेंट कैप्रीस,
FBI, मैं इस छोटे से एडवेंचर में आपके साथ चल रही हूँ। ये सही नहीं है, फेड्स हमारे साथ नहीं होते हैं। कॉपीराइट, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? या लेकिन फाइव बॉय, क्या तुम इसकी पुष्टि कर सकते हो? तो आप लोग हीरो हैं? तुम किसे ढूंढ रहे हो मिल्स? उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। वो कहाँ है? वो मुर्दा घर में है। सुनकर बुरा लगा। मुझे यकीन है इसे वो काफी अच्छा महसूस करेगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। इनाम पर निगाह है, बाहर आ रही है। अगर कोई चैनल हैक कर लेता है तो बातें कम करो। कॉपी दैट। वो लोग आ रहे हैं। ETA बस 5 मिनट में। ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले ने मेरे साथी को मार दिया। क्या बकवास है, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या वे तुमको इस तरह की सिचुएशन में शांत रहना नहीं सिखाते? मान लो कि मेरे पास बंदूक थी या कुछ और, एक ग्रेनेड, मैं पिन खींचता हूं, तुम शांत हो जाओ। क्या अगर मेरे आदमी तुम में से एक को कल रात की तरह मार देंगे? रुको, अरे वो जान रहा है, ऐसा करो, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ छोड़ो उसे, शांत रहो, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, छोड़ो, बैठो, प्लीज। हाँ, मैं यही देखना चाहता हूँ, हाँ मैं यही देखना चाहता हूँ, कुछ असली पुलिस वाले, जिस तरह के पुलिस वाले आपको खबरों में लाते पूरे सोशल मीडिया पर। बस नागरिकों को सलाह दी जा रही है अपने घर में रहने। भागो, चलो यहाँ से। आखिर ये क्या बला है? क्या ये तुम इसे देख रही हो? हाँ मैं देख रही हूँ। आप इसे ऑफिस से देख सकते हैं, है ना? हे वहाँ देखो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा वहां देखो। यो, क्या चल रहा है सब लोग? ये डला से हम लॉस एंजेलिस से लाइव हैं। अब आप लोगों को कुछ अच्छी जगह पर लेके जा रहा हूँ, द हॉलीवुड साइन और मेरा पर्सनल फेवरेट लास्ट बट नॉट लीस्ट विविड एंटरटेनमेंट। दोस्तों मुझे रेडियो में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये क्या था? क्या कार्टल के पास विमान रोधी हथियार है? तुम्हारे दोस्त हैं? ओ नो, ये सब क्या चल रहा है? अरे ये क्या किया तुमने? हाँ सॉरी। बेवकूफ कहीं के सॉरी कह रहे हो तुम? हे मुझे अंदर आने दो। नो, ड्राइव, भगाओ। पर तुम कौन हो? गाड़ी चलाओ। अंदर आने दो। अरे बस गाड़ी चलाओ, यहाँ से निकलो। मुझे अंदर आने दो। वो करो, चलो ठीक है चलो। नहीं जा सकते, रुक जाओ। Damn it. No. क्यों? क्या हुआ? इसकी बैटरी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है मतलब? ये काम नहीं कर रहा है। अब कुछ तो करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम बस गाड़ी चलाओ, यहाँ से चलो। मुझे मारिए मत, गाड़ी चलाना नहीं आता। चलो यहाँ से, चलो मुझे निकलना है यहाँ से। वो चीज हमें मार डालेगी। नहीं, क्या है? अब बंद करो, लगता है ये हमारा आखिरी दिन है।
मेरी बात सुनो, किसी चीज को पकड़ो और प्रे करो। तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। मैं अच्छा जीवन जी चुकी हूँ प्रभु, प्रभु मैं तुम्हारे शरण में आ रही हूँ। आज नहीं बेवकूफ, आज नहीं। तुम करने क्या वाले हो? आज नहीं। सुनो, क्या तुम ठीक हो? शिट। अब ये क्या हो गया? क्या सब ठीक है? हाँ, किसी को चोट लगी? बस मेरी भावनाओं को। कार्गो ठीक हो? मैं जा रहा हूँ बेबी। हाँ जो भी हो, कोई आइडिया है क्या हुआ? किसी ने हमें मारा होगा। उन्होंने जो किया वो विस्फोटक नहीं, कुछ और था। शायद स्नाइपर्स ने टायर्स को उड़ा दिया। नहीं, हेलीकॉप्टरों ने देखा होगा। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर गिर चुका है। क्या किसी को सिग्नल नहीं मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। 911 भी गिर चुका है। शिट। तुम्हें लड़ना है, आ जाओ। ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या है ये सब? टायर तो ठीक लग रहा है। तो क्या ये स्नैपर्स ने किया? नहीं, ये गोली का घाव नहीं है। अरे यार, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? मेरे दांत। तुमको पता है मैं तुम्हें आज से टूथ फेरी कहूंगा। अब बताओ कि टूथ फेरी कैसा लगा तुम्हें? इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई हमें गिरा सकता है तो बाकी सबका क्या हुआ होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये प्लान था। चलो यहां से निकलो। ओह, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या हो? वहां पे ऊपर देखो, क्या ये कार्टेल है? नहीं, वो नहीं है। क्या है वो? वहां देखो ऊपर। चलो निकलो यहां से, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। हाँ, चलो, चलो 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 उठो। Come on, हमें निकलना है, जल्दी करो। काउंटी 4 ब्लॉक दूर है और हमें जल्दी पहुंचना होगा। अब ये क्या है? ये नरक जैसा दिख रहा है हुआ है। चलो भी, जल्दी करो। सुनो, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। नहीं है, जाना है हमें। निकलो, तेजी से। चलो जल्दी। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। आगे बढ़ो, चलो जल्दी करो।
ये बंद है। तुम उन्हें अंदर आने दे रहे हो? नहीं, उन्हें इसे अपने लिए समझने दो। चलो पीछे हटो। वो दरवाजा नहीं तोड़ सकते। अंदर आ जाओ। चलो 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 चलो। अरे पकड़ो उसे, मदद करो, खींचो खींचो खींचो, जल्दी करो और खींचो इसे। क्या हो रहा है? जोर से आराम से पकड़ा है, जल्दी करो। क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या है? बाप रे, ये है क्या? ये तो बहुत बकवास है। चुप हो जाओ। उस चीज को बंद करो। आखिर ये हो क्या रहा है? और ये सब आए कहां से हैं? ये एक पेंटेड दीवार की तरह लग रहा है। तुमने सही कहा, ये बहुत ऐसा मजाक है। हाँ, तुम्हें ये सब मजाक लगता होगा पर बाहर लोग मर रहे हैं, समझ गए? ओके, मैं समझ गया। ये क्या बकवास है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? तुमने उसे आसमान में देखा है ना? ये बहुत मुश्किल है। हम दोनों ने एक जैसा ही देखा है। मैंने कहा ना, ये मुश्किल है। तुमने देखा ना क्या हुआ? ये गंदे एलियंस है दोस्तों। सही है, यही आकाश में है। सेल टावरों और प्रसारण क्षमताओं को खत्म कर दिया और उन्होंने सारी कारों को भी उड़ा दिया। हमने दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई अंदर ना आ सके। क्या ये अकेला आदमी है जो अंदर आया है? हे भगवान, तुमने और किसी को अंदर नहीं आने दिया? नहीं। सच बताओ। यहां हैंड्रिक्स थोड़ा चिंतित है, तो आप डिलीवरी ले आए। हाँ, उसे एक सेल में रखो। इस जगह का बाकी हिस्सा बैग की तिजोरी की तरह है, लेकिन हमें यह पता लगाना कि सामने के दरवाजे को कैसे बंद किया जाए। दोस्तों सुनो, मुझे पता है कि हम सबको चोट लगी है, लेकिन हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, समझे? हाँ समझ गए। हाँ समझ गए। तुम कौन हो भाई? मैं टूरिस्ट हूँ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मुझे सेकंड प्लेस मिला था स्ट्रीट फाइटर टूर्नामेंट में। तो हाथ से लड़ने में अच्छे हो, मगर हथियारों से कुछ आता है? मैं मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में जगह नहीं बना पाया। रुको, क्या कहा? ओ, आपका मतलब व्यक्तिगत रूप से असली? मैंने ताइक्वांडो लिया था एलिमेंट्री स्कूल में, अगर ये मायने रखता है। हर किसी ने प्राथमिक स्तर पे ताइक्वांडो ली है। तो तुम बेकार हो। मैं पॉडकास्टर हूँ टेक्सास से। ये असली काम नहीं है। जो भी हो, हमें कार्गो को ले जाना ही होगा। चलो। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ। तो ये मुझे कंपनी देगा? हाँ, आ तो जा एक बार, दिखाता हूँ तुझे। आने तो दे एक बार। नंबर 3 खोलो। यहाँ कार्टेल आपके लड़के को आराम से बैठने नहीं देगा। वो हमारा नहीं है, FBI की प्रॉपर्टी है। कैदियों को पता है क्या हो रहा है? जहां तक वे जानते हैं ये भूकंप है। हम उन्हें बताते हैं कि वहां क्या है तो उन्हें जल्दी मिल सकता है। मैं उन्हें वैसे ही पसंद करता हूं जैसे वे अभी हैं। मुझे करते हो? कोई भी कंप्लीट नहीं है। मेरा प्यारा घर, मिल्स ने तुम्हारे साथ अच्छा खेल खेला।
मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें रंग भरने वाली किताबें पसंद हैं? तुम्हारा मतलब किताबों को रंगना है? नहीं, रंग भरने वाली किताबें। हम तुम्हारे घर गए थे, तब हमने दीवारों पर देखा, वहां कुछ ड्राइंग चिपकाई हुई थी। वो इन्हीं की तरह था और उस पर लिखा था कि वहां लिखा था कुकोई कुकोई कुकोई। मुझे पता है कि बच्चे हेलोवीन में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। इस नाम का अर्थ है राक्षस। तुम्हें पता है ये एक मजेदार जिंदगी है, मजेदार। मुझे लगा कि मैं राक्षस हूं। मैं नहीं जानता। मुझे एक बात बताओ, खुशी की बात है, चलो। आपके पास एनालॉग रेडियो या हैम रेडियो है या ऐसा कुछ? कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे साथ ही ठीक कर सकते हैं। मेरे मेहमान बनो। मुझे नहीं लगता रेडियो शैक्स खुली है, अगर उसे किसी हिस्से की जरूरत। फिर भी ठीक कर लेगा। बाहर ये सब क्या चल रहा है? तुम सब बेवकूफ लोग बताओ। ऐसा लगता है जैसे कोई इमारत गिर रही हो। हाँ, मुझे यही लगा। तुम यहीं सुरक्षित रहोगे। खुशी की बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम सबको बेसबॉल बैट से मारूंगा। तो मुझे भी मारेगा? मुझे भी मारेगा? हाँ मारूंगा। क्या कर लेगा मेरा? मैं बताओ, एक क्या कर लोगे? और तेरे पिछोड़े लगाऊंगा, स्टाइल में मारूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? मार के दिखा मुझे। क्या तुम ठीक हो? क्या सब ठीक है? इसने कहा कोई बात है? हाँ, मुझे नहीं पता कि अब समय है या नहीं। क्या तुम्हारी एक्स वाइफ की बात है? मैं आज सुबह मैं अपने फिजिकल रिजल्ट के लिए डॉक्टर के पास गया था। मुझे कैंसर है। मजाक कर रहे हो क्या? कैसी बात है वर्णन? माइलोमा, ये एक मेरा मतलब जिंदा रहने की उम्मीद कम है। मैं नहीं जानता, पता नहीं मैं क्या कहूं। तुम जानते हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिन अब और नहीं जिंदा रहने वाला हूं। आपको यहां से निकालने के लिए मैं कुछ करती हूं। देखो, मैं चाहता हूं ये बात हमारे बीच में ही रहे और किसी को भी इस बारे में पता ना चले। मैं उन्हें बता दूंगा जब सही समय आएगा, ठीक है ना? जैसा तुम कहो। बिल्कुल। शुक्रिया। बस इतना ही है। ठीक है। मुझे नहीं पता आखिरी बार किसने इस्तेमाल किया था। हाथ मत लगाओ, ये जॉयस्टिक नहीं है। ठीक है, हमें उनकी दो बंदूकें मिली और इसमें से कुछ 4 या 5 क्लॉक्स, एक्स्ट्रा क्लिप, फ्लोम ग्रेनेड और कुछ चाकू, कुछ आंसू गैस और हमें से किसी का पसंदीदा पेपर स्प्रे। हमें नहीं लगता ये हमारे काम की होगी। जब तक पता ना चले हम कोशिश नहीं करेंगे।
मैं भी सहमत हूँ। मैं भी। तो हमारे पास इतना ही है? ये जेल है, पुलिस अमरी नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ कार्टल है। ये हमारा फैसला नहीं है, हम शहर को नहीं चलाते। उनमें से एक बाहर निकलेगा तो आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि कार्टल को कोई भारी तोपखाना मिले। अब हम करते हैं, ये ऐसा है जैसे उन्होंने कहा, हमारा निर्णय नहीं है। हमारे सैलरी ग्रेड से बहुत ऊपर है। सबके पास कितनी गोलियां हैं? अच्छा नहीं है, उन चीजों पर गोलियां बेकार जा रही हैं। डाउन ए क्लिप एंड ए हाफ। मुझे लगता है चाकू कुछ नुकसान कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी कंडीशन अच्छी होगी। बस ध्यान रखना है कि हर चीज काम लगे। हम जिससे निपटने वाले हैं उसके मुकाबले हमारी संख्या कम है और वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। ऐसे लोगों के बीच जो हमें यहाँ नहीं चाहते। मुझे यकीन है कि हम ज्यादा देर तक रहेंगे तो वो अंदर भी आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रेडियो ठीक हो जाए। क्या तुम्हें बता सकता हूँ कमांडर? बिल्कुल। सिलो, स्काई, तुम दोनों छत पर चलो और देखो कि दीवारों को क्या नुकसान हुआ है, ताकि हमें पता चले कि अब क्या करना है। ठीक है, कॉपी दैट। ली, उनके साथ जाओ, वे अकेले पूरी छत को कवर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। थैंक यू। और मेरा क्या, मैं भी तो कर सकता हूँ। तुम कुछ पंच आउट खेलने क्यों नहीं जाते? पंच आउट? आई लव पंच आउट, मेरा निंजा। नहीं, जस्ट नो। ठीक है, चलो चलते हैं और सारी गोलियां बैग में डाल लो। यस सर। चलो। क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता, पहले मुझे चेक करना होगा। ठीक है, बताओ मुझे। हे, जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन हमें इस पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मेरे लिए भी वो परिवार जैसा ही था, लेकिन उसे भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो मेरा छोटा भाई था, मुझे वो याद आएगा। हाँ, मुझे भी। मैं नीचे जा रहा हूं। तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम भी हम में से एक ही हो, समझ गए? हाँ, समझ गया। गुड। अरे वाह, ये हुई ना बात, अब देखो हम कहां पहुंचेंगे। यस, मजा आएगा। क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मैं ऑफिसर हेना पॉलसन हूँ। हम काउंटी जेल में हैं। हमारे पास सर्वाइवर्स हैं, पर बारूद कम है। अगर कोई मुझे सुन सकता है तो प्लीज प्लीज हमारी मदद के लिए आ जाइए। तो क्या हम यहीं बैठे और दुनिया को जलते हुए देखें? यह मेरे डीएनए में नहीं है। मेरे में भी नहीं, लेकिन अब हमें शांति से बैठना है और जिंदा रहना है। हेलो, हेलो। सिचुएशन बहुत ही खराब है दोस्तों, वहीं नीचे सुरक्षित रहो।
वहां बाहर कोई दिख रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं। हमारे चारों तरफ आग लगी हुई है। क्या कहा, चारों तरफ आग है? कोई रास्ता नहीं है अब, जमीन से तो बिल्कुल ही नहीं। अरे यार, ठीक है, तुम वहीं पर संभाल कर रहना। ठीक है, कॉपी राइट। ओके, तो अब प्लान बी है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही ठप हो गए हैं, तो अब क्या करें? ये दुनिया का अंत है? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल युद्ध है, मतलब एक तरह का पागलपन और मुश्किल मंजर। सही, लोग आजकल अपने फोन से बंद गए हैं। फोन ले लो तो पागल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या करना है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया का अंत। सही कहा, ये समझ गई। तो अब हमें करना क्या चाहिए? वो हमें देख रहे हैं। हाँ, मगर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कमजोरी, घबराहट और हमारा डर। वो हमारी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल सही, इतने टाइम के बाद तुमने कुछ काम की बात कही। सेलफोन्स और इंटरनेट से पहले लोग ज्यादा आत्मनिर्भर थे, अगर कुछ टूट जाता तो ठीक कर देते, मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस बिल्डिंग को शायद उड़ा देंगे। हमें घूमते रहना चाहिए सबकी भलाई के लिए। राइट, उसके बारे में इतना खास क्या है? हमें बस अभी जाना होगा। ठीक है, देखिए, मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ आपका पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं रिकॉर्ड के लिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कोई भी व्हीकल्स काम नहीं करता है। तुम जानते हो, उनसे लड़ने के लिए हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि हम ऐसा कैसे करते हैं? कार्गो। कार्गो? हाँ, सही कहा। ये टकला मुझे उसकी याद दिलाता है जिसकी वजह से मैं जेल में हूँ। मन तो करता है इसका टकला फोड़ दूँ, पर क्या करूँ, मैं जेल के अंदर हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं। मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी। पर मैं वापस आ गया, क्या करता? क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ किया। हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आई। क्या तुम्हें पता है ये लोग तुम्हें सजा देने आए हैं, और इन्हें सजा देने में मजा भी आता है। क्या तुम इस कमीने को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं। क्या चाहते हो? कुकुई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कुकुई के बारे में नहीं जानता। तुम जानते हो। मैं इन्हें इसीलिए यहां लेकर आया हूं कि ये तुम्हारी याद ताजा कर सके। हमें यही करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। तुम लोगों ने सुना? हाँ, हमारे पास कान है। मैं उनमें से हर एक को यहां से चुन सकता हूं अगर मेरे पास 50 कैलोरी होती। हाँ, एक शॉट 50 कैल में से, और ऐसा लगेगा तुम पे जैसे हजारों चीटियां चढ़ गई हैं। कम से कम मैं अपना काम कर चुका होता। किसी के पास किताब है? मैं समय के साथ मालिश का उपयोग कर सकता हूं अगर इससे मदद मिले तो। तुम मेरे टाइप क्यों नहीं हो? सर्वनाश के दौरान तुम्हारे पास चॉइस है? हाँ, एलियन नहीं। खैर, मुझे लगता है कि ये मुझे एलियन बनाता है। इन्हें मेरे इतने करीब खड़े होने की जरूरत है? मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। लगता है इस टैटू से तुम बहुत जल रहे हो, पर मैं कंफर्टेबल हूं। तुम बॉस? हाँ, मैं ठीक हूं।
तुमने ये चीजें पहले देखी हैं? नहीं, हालांकि उनके बारे में सुना। तो हमें भी बताओ। उन कहानियों में से एक छोटे बच्चे को डराती थी। मेरे अबू एलो ने मुझे अपने दादा के बारे में एक कहानी सुनाई थी। वो बसने वालों के साथ कैसे व्यापार करते थे। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे किसी मैप पर देखा है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ कुछ अलग है, मैं महसूस कर सकती हूँ। ये जगह खाली है। ऐसा लगता है यहाँ के लोग डर के भाग गए हैं कहीं। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? अपनी जान बचाने के लिए वो लोग भाग गए। मुझे पता है तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, पर बहुत हुआ। वाह, बस करो। एक दिन वो उसके पास आया और पूरी बस्ती मर चुकी थी। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी चलो, चल चलो आओ। यादें जो तेरी आती मुझे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। यादें जो तेरी आती मुझे, तेरे बिना मैं नहीं। आई लव यू। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उनका सारा खून उनसे ले लिया गया था। वैम्पिरोस डेल सियलो, उसने उन्हें बुलाया। आसमान से पिशाच। क्या आसमान से पिशाच? मुझे लगता है कि ये बकवास कर रहा है। यो, मैं नाम के साथ नहीं आया। मुझे पता है ये तुम्हें मजाक जैसा लगेगा, लेकिन वे यही हैं। वे यहां खून के लिए हैं। अबे तू मरता क्यों नहीं है? अबे मरता क्यों नहीं है? ए, नहीं 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 चलो यहाँ से चले जाओ। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो उनको मारने के लिए कुछ किया? कभी नहीं किया। मेरे एबुल ने कहा कि वो बस्ती की ओर गए। बस्ती की ओर वे अंदर आते हैं, खून लेते हैं, शहर को तबाह करते हैं, अगले दिन निकल जाते हैं। वो खून का उपयोग किस लिए करते हैं? ये उनकी दवा है। इसे वापस इसके सेल में ले जाओ। ओ, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही होगा। अपनी बंदूक नीचे रखो। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ।
चुप हो जाओ। तुम एक बेवकूफ हो, क्या तुम समझ रहे हो? तुम एक बेवकूफ हो। हे, अपना मुंह बंद करो। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद आया, बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहे हो बेवकूफ। अपना मुंह बंद करो। तुम चुप रहो। बंद करो, मैंने कहा चुप हो जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। सिलोस, सिलोस काई। वे सब चले गए चीफ। मैं तुम्हें देख लूंगा। वो आ रहे हैं, वो यहां आ रहे हैं। गॉड डैम इट, और हम यहां बैठे हैं। हम खुद को कमजोर समझ रहे हैं। एक मिनट रुको। तहखाने में एक सुरंग है, ये गली के नीचे अपने ब्लॉक की सीमा तक जाती है। हम वहां तक कैसे जाएंगे? सेल ब्लॉक के माध्यम से। तो हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरे साथ आओ, आराम से यहां बैठो। हाँ, आराम से। नया प्लान क्या? मैं यही रुकूंगा और तुम जाओगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम रुको। Hey, क्या तुम खुद को और दूसरों को निकालो? अब मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम्हें करना होगा। मुझे पता है तुम करोगे। पॉल्सन, ऑफिसर पॉल्सन, क्या तुम हो वहां? मैं सर्जेंट सैलो नेलिस एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। कोई जिंदा है वहां? जवाब दो, कोई है जिंदा वहां? हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। सोलन, मैं ऑफिसर हन्ना पॉल्सन एलएपीडी से। सर्जेंट सोलन, सर्जेंट सोलन, यो यो यो, तुम्हें काफी देर हो गई यार, मुझे ढूंढने में काफी समय लग गया। ओह शिट, वैसे तुम रियल हो? मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम कोई कुकोई नहीं हो, मेरे फादर हो। क्या चल रहा है डैड, क्या चल रहा है डैड? तुमने ये किया राइट, तुमने मुझे ऐसा बनाया राइट? ओके, तुम एक बुरे आदमी हो। यू आर नॉट शिट ब्रो, मैं तुमसे भी बदतर हूं।
कम ऑन डैड, आपने मुझे बहुत पहले मार डाला था डैड, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा डैड। सलोन, सलोन, क्या तुम हमारी मदद के लिए किसी को भेज सकते हो? हे, मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे रेडियो पर कोई मिला है, लगता है कोई मिलिट्री है, उन्होंने कहा सब चले गए। हाँ ठीक है, अच्छा सुनो, तुम हमारे साथ यहाँ तक आए, अब तुम हम में से एक हो, चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो। बोल्सन, तुम वहाँ हो? हे, क्या तुम एग्योरे से कुछ काम की चीज ले सकते हो? ये पुरानी मैक्सिकन लेजेंड है, वो यहाँ खून के लिए आए थे, वो लोगों का खून दवा के लिए उपयोग करते हैं। सुरंग दूर नहीं है, दो बाएं और एक दाएं। अब ब्लड हार्वेस्ट, बाकी टीम कहाँ है? वो जा चुके हैं, वो सब चले गए। आजा, हद तुझे दिखाता हूं। आजा। क्या है ये सब? मेरे पीछे आ जाओ। चलो चलो चलो। आजा आजा, चलो 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 चलो, आगे बढ़ते रहो, पास में रहो, फायर करो, छोड़ना मत, कोई नहीं बचना चाहिए, फायर करो। आजा, कम ऑन। चाहिए क्या? तुम्हें मेरे अंदर का खून चाहिए ना, मैं जानता हूं। ले लो। ले ले। चलो चलते हैं, हम यहां कुछ नहीं कर सकते। अगर सब साफ है तो क्या हम लोगों को कुछ बारूद मिल सकता है? मिल सकता है, पर यहाँ एक खच्चर भी है,
क्या यहाँ पर जानवर भी हैं? क्या उसने सबके जाने के बारे में कहा? सिग्नल खराब था, मुझे नहीं पता क्या ये सिर्फ बेस था या बदतर। बदतर मान लो। ये दुनिया का अंत है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ कहा पर ये नहीं कहा कब और कहां। हमें इस एरिया को पूरा स्कैन करना होगा। हम सुरक्षित रहते हुए पहले छत पे पहुंच जाते हैं, जरूरत पड़ने पर फ्लेयर्स को भी जला सकते हो। मदद करो, मदद करो मेरी। यहाँ आराम से, ठीक है, बैठो आराम से। मुझसे ये नहीं होगा, है ना? तुम परेशान मत हो। एक और बात, जाने से पहले तुम मेरी मदद करके जाना। हाँ मैं करूंगा। मैं कर सकता हूं। मैं इसे रोक सकता हूं।
शायद ये वही होंगे। वर्नोन, वर्नोन, कोई बचे? नहीं। सॉरी। किसी को कुछ नहीं होगा। अब क्या करें? हॉलो पॉइंट्स? हाँ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कमबख्त परमाणु। चलो आजमा कर देखते हैं। बूढ़ा हो गया हूं। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तो जवान हूं ईश। मैं नीचे नहीं आ सकता हूं क्योंकि अब मैं जवान नहीं रहा। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? ये बेकार है। मुझे आज हॉलीवुड साइन देखना था। तुम यहां सुरक्षित हो, मुझ पे विश्वास करो। अच्छा सुनो, अगर हम इसे यहां से निकाल दें, मैं तुम्हें वहां खुद ले चलूंगा। ये अच्छा होगा। अगर ये अभी भी है। एक सेकेंड, यहां कोई है क्या? इससे कुछ मदद मिल सकती है? यहाँ है। ओ शिट, यहाँ है। ओ शिट, ये सब चल क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? चलो बाहर निकलो। चल क्या रहा है? अरे बाप रे! चलो मान। ये चल क्या रहा है? मैं ये कर सकता हूँ। तुमने कहा था मैं मददगार हो सकता हूं।
तुम हम में से एक हो। चलो अलविदा। चलो हिम्मत है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर देखो, मैं यहां हूं। आ जाओ, कम ऑन, मारो मुझे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुझे मारो। अगर हिम्मत है तुम्हें तो मारो मुझे। आ जाओ, मारो मुझे, मारो। रुक क्यों गए? मारो मुझे, मार दो, मारो, मारो मुझे, मार दो। तुम बहुत बदसूरत हो, तुमसे बदबू आ रही है मुझे, मार दो। तुम्हारा मुंह देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मार डालो। तुम्हें खून पसंद है ना? मारो, मारो मुझे, मारो। हे, भाड़ में जाओ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। अब ये सब क्या हो रहा है? Vernon, Vernon, shit,
नहीं, मेरे
हमें यहां से निकलना होगा। नहीं, मैं नहीं। तुम जाओ, मैं नहीं बचूंगा। देखो तुम स्ट्रांग हो, ठीक है? हाँ। टीम को कभी मत भूलना। नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम्हें पता है मुझे कैंसर है। इट्स अ सन ऑफ बिच। उठ गई है। ओह गॉड, मैं कहाँ हूँ? तुम ठीक हो? हाँ। सार्जेंट सलोन। सही कहा, तुमने कई बार शहर का चक्कर लगाया है। क्या कोई बच पाया? बस वही एक, सड़कों पे भटकता हुआ मिला, लगभग मरा हुआ। मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। इसलिए कि हमने आपको समय से बचा लिया। लेकिन मैंने कर दिखाया, मैं जिंदा हूं। हम लोग कहाँ हैं? एरिजोना रेगिस्तान के ऊपर। हम कैंप के लिए निकले हैं। तो तुम जानते हो राइट कि शहर में क्या हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लगभग हर जगह, ज्यादातर पश्चिमी समुद्र तट। मैं उस वक्त सैन डियोगो में था। हमें रेडियो पर कुछ और मिले हैं, सिर्फ आप दोनों ही है जो सरवाइव कर गए, बाकी सभी लोग जा चुके हैं। सरकार हवाई हमले पर विचार कर रही है। एक हवाई हमला? क्या आप सीरियस हैं? हाँ। कम ऑन मैन, परमाणु युद्ध से कुछ भी हल नहीं होने वाला है।
तो वास्तव में ये फसल है। सही कहा। तो क्या आप लेजेंड के बारे में जानते हैं? इन्हें सालों पहले पहचाना गया है। सही है। क्या कुछ और भी ऐसी चीज है जो क्लासिफाइड हो? क्या पूछना चाहती हो? जैसे हम उनसे कैसे लड़ते हैं? नहीं पता। तुम्हारा हथियार है? ये क्या है? ये ब्लड कैंसर का एक रूप है। कैंसर? हाँ। वेलकम टू द रेसिस्टेंस।